हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसकी क्लास मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। जो आपका न्यू सिलेबस है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसको भी मैंने अपलोड कर लिया है और मैं लगातार आप लोगों के सभी यूनिट्स को कम्प्लीट करा रही हूँ। तो देखिए, हम आपके यूनिट नंबर 1 में पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आपको कई सारे ऑथर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी साहित्य में, मतलब भारतीय अंग्रेजी साहित्य में मुल्कराज आनंद का क्या योगदान है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि आपको इसका नोट्स भी मिलेगा मेरे चैनल पे, और साथ ही साथ हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप हिंदी में भी जानकर इसको पढ़े रहेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ मुल्कराज आनंद, यानी मुल्कराज आनंद का परिचय। मुल्कराज आनंद वॉज प्रोमिनेंट इंडियन राइटर ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, इंडियन भारतीय यानी कि भारतीय लेखक। देखिए, वह बहुत ही प्रमुख इंडियन राइटर थे जो कि नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज और क्रिटिकल एसे लिखते थे इंग्लिश में, तो इन सभी के लिए ये बहुत प्रमुख थे। ही वॉज फेमस फॉर ही सिंपैथिक पुअर इंडिया, और वह भारत के पुअर लोगों से, जो गरीब लोग थे, उनसे बहुत ज़्यादा दया करते थे। सिंपैथिक मतलब होता है दया या फिर सहानुभूति। तो वो जो मुल्कराज आनंद थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए भी थे क्योंकि ये गरीब लोगों की बहुत मदद भी करते थे, उनके प्रति दया भी दिखाते थे और उनके ऊपर लिखा भी करते थे अपने वर्क्स में। अब हम देखेंगे उनके बर्थ एंड पेरेंटेज के बारे में, यानी उनके जन्म और उनके माता पिता से रिलेटेड चीज़ें। मुल्कराज आनंद वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान। देखिए, मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, यानी कि जब ये पैदा हुए थे तब पेशावर इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन अब ये पेशावर पाकिस्तान में है क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान पहले एक में था, अब अलग है, तो पेशावर अब पाकिस्तान में आता है। His father name was Lal Chand and his mother's name was Ishwar Kaur. उनके पिता का नाम लाल चंद्र और उनकी माता का नाम ईश्वर कौर था। She was very simple lady. उनकी माता बहुत ही सिंपल लेडी थी। His father worked as a traditional copper-mish letter on joint India army अंडर द ब्रिटिश रूल एज अ क्लर्क। देखिए, जो मुल्कराज आनंद के पिता थे वो पहले कार्य करते थे एज अ ट्रेडिशनल कॉपर स्मिथ, यानी वो पहले ट्रेडिशनल कॉपर स्मिथ के रूप में कार्य करते थे। लेटर यानी बाद में, ऑन ज्वाइंट उन्होंने ज्वाइन कर लिया, कौन? मुल्कराज आनंद के पिता, इंडिया आर्मी अंडर द ब्रिटिश रूल एज अ क्लर्क। जब अंग्रेजों का साम्राज्य था हमारे भारत में, तो उस टाइम फिर उन्होंने बाद में क्या किया कि आर्मी में उन्होंने एज अ क्लर्क, यानी कि क्लर्क के पद को उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया। तो याद रखिएगा, इनके पिता पहले ट्रेडिशनल कॉपर स्मिथ के रूप में कार्य करते थे, लेकिन फिर अंग्रेजों के ही साम्राज्य में उन्होंने आर्मी में क्लर्क के पद पर ज्वाइन कर लिया। अब हम देखेंगे इनके एजुकेशन के बारे में, यानी मुल्कराज आनंद की क्या एजुकेशन थी, उन्होंने कहाँ से क्या पढ़ा। मुल्कराज आनंद कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद ऑनर्स एट खालसा कॉलेज अमृतसर इन 1924। मुल्कराज आनंद ने अपनी ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया था खालसा कॉलेज से, जो अमृतसर में है, 1924 में, यानी 1924 में ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था। आफ्टर दीज, उसके बाद ही मूव टू इंग्लैंड, मुल्कराज आनंद इंग्लैंड चले गए and takes admitted to University College London as an undergraduate student.
इसके बाद मुल्कराज आनंद इंग्लैंड चले गए और वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन ले लिया एज अ अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट। ही कम्प्लीटेड हिज पीएचडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1929। उन्होंने 1929 ईस्वी में अपनी पीएचडी को कम्प्लीट किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब हम देखेंगे उनके मेजर वर्क्स के बारे में कि मुल्कराज आनंद ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935। मुल्कराज आनंद का जो सबसे पहला नॉवेल था वो अनटचेबल था, जो कि इंडिया के कास्ट सिस्टम पर बेस्ड था और वो पब्लिश हुआ था 1935 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन स्टूडेंट का एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाएगा आपके पेपर में कि मुल्कराज आनंद का जो फर्स्ट नॉवेल है वो कौन सा है। हु इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद, तो अनटचेबल कब पब्लिश हुआ, 1935 में। किस पर बेस्ड था ये नॉवेल, इंडिया के कास्ट सिस्टम पर आधारित था। एंड सम ऑफ हिज फेमस वर्क वर कुलीज, और इसके अलावा उनके जो अदर फेमस वर्क थे जिनमें था कूली जो पब्लिश हुआ था 1936 में, उसके बाद उनका बहुत ही फेमस एक और वर्क है द लास्ट चाइल्ड, उसके बाद द विलेज जो पब्लिश हुआ था 1939 में, फिर उनका एक और अदर बहुत ही फेमस प्ले है द बिग हार्ट जो पब्लिश हुआ था 1945 में, एंड द रोड पब्लिश हुआ था 1961 में। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से इनका कंट्रीब्यूशन देना होगा हेडिंग बाय हेडिंग, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए आप चाहें तो इस नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। आइए अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुल्कराज आनंद वर्क एज अ स्क्रिप्ट राइटर। मुल्कराज आनंद ने कार्य किया एक स्क्रिप्ट राइटर यानी लिखित लेखक के रूप में। एंड ब्रॉडकास्टर इन द फिल्म डिवीजन ऑफ बीबीसी लंदन इन 1946। और देखिए, ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से सूचना प्रसारित करना, तो इस पर भी इन्होंने काम किया 1946 में बीबीसी लंदन में। ही लॉन्च द मैगजीन अबाउट फाइन आर्ट नेम मार्क विच वॉज मेनली फंडेड बाई जी आर डी टाटा एंड लेटर गॉट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम टाटा ग्रुप। देखिए, फिर बाद में मुल्कराज आनंद ने एक मैगजीन को लॉन्च भी किया जो कि फाइन आर्ट के बारे में थी और उस मैगजीन का नाम था मार्ग। तो आपको याद रखना होगा कि मुल्कराज आनंद ने कौन सी मैगजीन को लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम मार्ग था। विच वॉज मेनली फंडेड बाई जी आर डी टाटा, जिसको फंड दिया गया बाई जी आर डी टाटा के द्वारा। एंड लेटर गॉट फाइनेंशियल सपोर्ट, देखिए बाद में इस जो इनकी मैगजीन थी जिसको उन्होंने लॉन्च किया था उसमें टाटा ग्रुप के द्वारा आर्थिक जो सपोर्ट था उसको भी किया गया था। इन द 1960 में ही सर्व्ड एज ए प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। 1960 में उन्होंने सेवा की, सर्व का मतलब आप कह सकते हैं सेवा की या फिर उस पद पे कार्य किया, एक प्रोफेसर के रूप में ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य के प्रोफेसर के रूप में और फाइन आर्ट के रूप में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 1960 ईस्वी में कार्य किया। फ्रॉम 1965 टू 1970, देखिए 1965 से लेकर 1970 ईस्वी तक मिस्टर आनंद सर्व एज अ फाइन आर्ट चेयरमैन एट ललित कला अकेडमी। देखिए, एक ललित कला अकेडमी थी जिसमें मुल्कराज आनंद ने फाइन आर्ट के चेयरमैन के रूप में कार्य किया था 1965 से लेकर 1970 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे इनके प्राइज के बारे में कि इनको कौन कौन से प्राइज मिले हैं और किस फील्ड में मिले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूशन में लिखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। इन 1968 ईस्वी में
He was awarded Padma Bhushan by the Government of India for his extraordinary contribution to the field of literature and education. देखिए मुल्कराज आनंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान देने की वजह से कंट्रीब्यूशन देने की वजह से भारतीय सरकार के द्वारा 1967 ईस्वी में पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन 1971 उसके बाद देखिए 1971 ईस्वी में ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज हाईली पॉपुलर नॉवेल द मॉर्निंग फेस। और 1971 ईस्वी में मुल्कराज आनंद को सम्मानित किया गया दिया गया साहित्य अकादमी का अवार्ड जो कि उनका एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल द मॉर्निंग फेस है जो कि उस टाइम बहुत पॉपुलर था और आज भी है। तो इसी नॉवेल पर उन्हें 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया था। तो ये प्राइस भी आपको मेंशन करनी होगी इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में। अब देखेंगे हम मुल्कराज आनंद की डेथ। मुल्कराज आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 इन पुणे। पुणे में 28 सितंबर 2004 को मुल्कराज आनंद की मृत्यु हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मुल्कराज आनंद का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह हम आपके सभी यूनिट्स को इंग्लिश लिटरेचर की सभी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे नोट्स के साथ बहुत अच्छे से समझकर। उसके अलावा आप अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या फिर एजुकेशन पढ़ते हैं या फिर अदर भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बीए से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।